नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है गुरुग्राम से, जहां मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती चल रही थी। फेफड़े में संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं मुलायम सिंह यादव। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। कई दिनों से बीमार चल रही थी, अस्पताल में भर्ती थी। जानकारी ये मिल रही है फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उनका निधन हुआ है। ये दुखद खबर है, मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। बता दें कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वे भर्ती थी और कुछ देर पहले ही मुलायम सिंह यादव ने उनसे मुलाकात की थी। उनकी स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही थी और अब ये दुखद समाचार मिला है, मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्हें फेफड़ों में संक्रमण होने के चलते भर्ती कराया गया था और अब उनके निधन की खबर मिल रही है। ये दुखद संदेश, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था मुलायम सिंह यादव की पत्नी का, जहां मुलायम सिंह यादव ने आज उनसे मुलाकात भी की थी और उसके बाद वे लखनऊ जाने का उनका कार्यक्रम था। और अब खबर मिल रही है कि साधना गुप्ता का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वे भर्ती थी। कई दिनों से उन्हें फेफड़े में संक्रमण की दिक्कत हो रही थी, इसी के चलते उन्हें गुरुग्राम के इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं मुलायम सिंह यादव, जहां उन्होंने पत्नी साधना से मुलाकात की थी, उनका हाल जाना था और अब ये दुखद संदेश मिल रहा है। कौन थी साधना गुप्ता, ये आप जान लीजिए। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी थी, तकरीबन 20 बरस छोटी वे मुलायम सिंह यादव से थी। औरैया के विधुना की रहने वाली वे थी। 1980 में पहली बार मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात हुई थी। साधना की भी पहले शादी हो चुकी थी। मुलायम सिंह यादव की वे दूसरी पत्नी थी। पति से ज्यादा दिन तक उनका रिश्ता ठीक नहीं चला था और शादी के 4 साल बाद ही पति से उनका तलाक हो गया था। बाद में साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी कर ली। साधना गुप्ता मुलायम सिंह यादव के बेटे, मुलायम सिंह यादव और साधना के बेटे का नाम प्रतीक है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव हैं। तो बिल्कुल आपको ये बड़ी खबर बता दें, मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। कौन थी साधना गुप्ता, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी, औरैया के विधुना की रहने वाली, करीब 20 साल छोटी थी। बीमार चल रही थी, इलाज उनका चल रहा था और उनके निधन की खबर सामने आई है। पिछले सप्ताह साधना गुप्ता को शुगर के साथ साथ कई और बीमारियां भी थी, जिसके बाद उनके कई तरीके के टेस्ट कराए गए। जानकारी ये भी मिल रही है कि फेफड़े में संक्रमण की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थी। बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तबीयत खराब होने के कारण ये दुखद खबर मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुलायम सिंह यादव की पत्नी का निधन हो गया है। पत्नी साधना गुप्ता का निधन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में ही वो भर्ती थी। फेफड़े में संक्रमण के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ से दिल्ली के लिए अब मुलायम सिंह यादव रवाना हो गए हैं। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती बताई जा रही थी, इलाज भी उनका चल रहा था। शुगर के साथ साथ कई और बीमारियां भी थी, फेफड़े में संक्रमण भी था, जिसके बाद वो अस्पताल में भर्ती थी। तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और इन सब के बीच में खबर ये कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या जानकारी है? मुलायम सिंह यादव ने भी मुलाकात की थी साधना गुप्ता से और अब वे रवाना हो चुके हैं फिर से लखनऊ से दिल्ली के लिए। देखिए, साधना गुप्ता पिछले एक हफ्ते से काफी बीमार चल रही थी। पहले लखनऊ के मेदांता में वो भर्ती थी। यहाँ पर जब स्थिति उनकी ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर नंदन से अखिलेश यादव ने बात की, मुलायम सिंह यादव की बात हुई, फिर एयर एम्बुलेंस से उन्हें गुरुग्राम मेदांता ले जाया गया। वहाँ पर वो ICU में भर्ती थी। उनके लंग्स में इंफेक्शन था, शुगर की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी जो समस्याएं थी। और ऐसे में खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है। हालांकि अपर्णा यादव के हवाले से और उनके लोगों से उनका अभी इस पूरे मामले पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि उन्हें चार्टर्ड प्लेन से भेजा जा रहा है लखनऊ।
और लखनऊ वो एक घंटे के अंदर पहुंचेंगी, ऐसी खबर आ रही है। ठीक है, और ये जानकारी दिल्ली पुलिस और मुलायम के सुरक्षा कर्मियों से मिली है। जी, ये जानकारी आप दे रहे हैं वीरेश जी। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी थोड़ा अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, बताएं कि दिल्ली से क्या अपडेट मिल रहा है, क्या एयर एम्बुलेंस से उन्हें भेजा जाएगा, चार्टर प्लेन से उन्हें भेजा जाएगा लखनऊ? अविनाश, आप तक अगर बात करें तो मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए मुलायम सिंह की जो पत्नी है साधना गुप्ता, उनका निधन हो चुका है और खुद नेताजी मुलायम सिंह यादव उनके पार्थिव देह को लेकर के अब दिल्ली से निकल रहे हैं। चूंकि मुलायम सिंह यादव दिल्ली में ही मौजूद थे और अभी कुछ देर पहले ही वो अपने आवास से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए, जहां पे अगर बात करें तो जो वीवीआईपी टर्मिनल है वहां पे बकायदा एक चॉपर खड़ा किया गया है, चार्टर्ड विमान वहां पे खड़ा है और मेदांता के जो गुड़गांव में जो मेदांता अस्पताल है वहां से साधना गुप्ता की डेड बॉडी भी एयरपोर्ट पे आ चुकी है। अब डेड बॉडी को विमान में रखने का कार्य किया जा रहा है और उसके बाद फिर उसी विमान से नेताजी भी जा रहे हैं और इसके साथ साधना गुप्ता की डेड बॉडी भी लखनऊ जा रही है, जहां पे तमाम सारे परिजन रहेंगे और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो पिछले 2-3 दिनों से वो मेदांता अस्पताल में भर्ती थी, वहां पर नेताजी मुलायम सिंह यादव ने खुद जाकर स्वास्थ्य का हालचाल जाना था और पूरी तरीके से जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इलाज चल रहा है। और आज भी अगर बात करें तो खुद सुबह नेताजी मुलायम सिंह यादव अस्पताल पहुंचे थे और वहां पर जाकर जानकारी ली थी स्वास्थ्य की, लेकिन चूंकि हालात काफी ज्यादा क्रिटिकल थे, डॉक्टरों ने सुबह ही नेताजी को यह जानकारी दी थी कि हालात बहुत ही चिंताजनक है और उसके बाद कुछ देर के बाद साधना गुप्ता का निधन हो गया था। जिसके बाद अगर बात करें तो खुद मुलायम सिंह यादव अस्पताल से पहले अपने दिल्ली स्थित आवास पर आए, जंतर बंतर पर उनका आवास है, तो वहां पे वो आवास पर पहुंचे और इसके बाद फिर चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की गई और फिर चार्टर्ड प्लेन जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा वहां से फिर नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने आवास से निकलकर सीधे वो एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में अगर बात करें तो गुड़गांव के जो मेदांता अस्पताल है वहां से डेड बॉडी भी एयरपोर्ट आ चुकी, अब लखनऊ ले जाया जा रहा है साधना गुप्ता के पास। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।